बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें हर ग्रुप के जो कंपाउंड थे, फंक्शनल ग्रुप थे, उनके प्रीफिक्स सफिक्स और उनका नाम कैसे लिखते हैं, उसकी होमोलॉगस सीरीज, ये सब डिस्कस कर चुके थे। और इसी के पश्चात हम लोगों ने जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी मेरिट लिस्ट डिस्कस की थी। उसी में इसके बाद एग्जाम्पल डिस्कस किए, उसमें उसके जो आईयूपीएसी में ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखने की जो एक प्रोसेस होती है, उसके जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको डिस्कस किया था। तो इसके नियम क्या होते हैं, नंबर वन कि सबसे इसमें नंबर वन पर कार्बन की चेन बनाते हैं, कार्बन की नंबरिंग करते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन होता है। कार्बन की नंबरिंग उस ओर से करते हैं जिस ओर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होता है, फंक्शनल ग्रुप से कम अंक प्राप्त होते हैं तो उधर से करते हैं। मेरिट लिस्ट में जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर होता है उसका हम सफिक्स लगाते हैं, मेरिट लिस्ट में जो फंक्शनल ग्रुप नीचे होता है उसका प्रीफिक्स लगाते हैं, ठीक है ना। और यदि प्रीफिक्स दो या दो से ज़्यादा है तो उनको अल्फाबेटिकली सेट करते हैं, अल्फाबेटिकली सेट करते हैं, ठीक है ना। तो अल्फाबेटिकली जो वर्ड पहले आएगा उसको पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं। और इसके पश्चात इसमें नाम लिखते हैं, जब नाम लिखते हैं स्ट्रक्चर से नाम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले कार्बन के नंबर लिखते हैं, कार्बन पाँच है तो पेंट, तो पेंट वर्ड जो लिखते हैं ये रूट वर्ड है, ये मूल शब्द है, और इसके पहले जो चीज़ लिखी जाती है वो प्रीफिक्स, जो बाद में लिखते हैं वो सफिक्स। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें उनके आपको प्रीफिक्स और सफिक्स ये याद रखने होंगे, ठीक है ना, तभी ये बन पाएगा, ठीक है। तो आज क्लास सिक्स में आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, इसके नियम देखते हैं। इसमें नंबर एक देखते हैं, प्रत्येक कार्बन पर चार बॉन्ड होते हैं और ये चार बॉन्ड लगे होते हैं, ठीक है। इसके पश्चात इसमें अब ये देखिए इसका आईयूपीएसी में नाम कैसे लिखेंगे। अब इसमें देखिए CHO क्या होता है, एल्डिहाइड, क्लोरीन और OH, तीन फंक्शन ग्रुप जुड़े हुए। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, CL क्लोरीन लगा हुआ है, OH एल्कोहल लगा हुआ है, तीन लगे हुए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन की नंबरिंग है, कार्बन इधर से काउंट करेंगे कि इधर से काउंट करेंगे, तो कार्बन किस तरह से काउंट करेंगे, जिधर से वो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है जिसको कम से कम अंक प्राप्त होते हैं या वो मेरिट लिस्ट में ऊपर होता है। तो यहाँ एल्डिहाइड, क्लोरीन और एल्कोहल में एल्डिहाइड सबसे ऊपर, तो नंबरिंग कार्बन की नंबरिंग इस ओर से करें, ठीक है ना। तो यहाँ का 1 2 3 4 5, ठीक है ना, पांच कार्बन है, तो पांच कार्बन को क्या लिखते हैं, पेंट। तो सबसे पहले यहां पर लिख देंगे पेंट, ठीक है, पेंट लिख दिया। अब यहां पर ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो यहां पर एक सफिक्स लगा देंगे ए, तो क्या हो गया, पेंटेट, ठीक है। अब इसमें जो मेरिट लिस्ट में फंक्शनल ग्रुप नीचे है उनका प्रीफिक्स लगा दिया, तो ये क्लोरीन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है तो इसको प्रीफिक्स में लिख दिया, तो यहां पर 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो और 3 हाइड्रोक्सी, ये प्रीफिक्स में लिख देंगे, तो यहां पर 2 क्लोरो और उसके बाद 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। दूसरे कार्बन से क्लोरीन लगे तो क्लोरो हो गया, तीसरे कार्बन से OH जुड़ा हुआ
तो थ्री हाइड्रोक्सी और पेंटेन तो लिखा गया, पेंटेन ये हमारा रूट वर्ड है, और इसके बाद अब जो मेरी डिश में उठू उसका सफिक्स लिखते हैं। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या होता है? अल, तो यहाँ पर ई हटा करके और ए एल लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? टू क्लोरो थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेन वन, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये हो गया। अब इसमें दूसरा देखते हैं आईयूपीएसी नाम, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है सी डबल ओ, और इस तरफ देखें तो ये क्लोरीन ब्रोमीन लगा हुआ है और ये कार्बन की संख्या। आईयूपीएसी नाम लिखने में सबसे लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए और कंटिन्यूअस चेन होनी चाहिए। कंटिन्यूअस मतलब लगातार जो कार्बन जुड़े होते हैं उन्हीं को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5, ठीक है, पांच कार्बन। तो पांच कार्बन को क्या लिखते हैं? पेन। तो रूट वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? पेन, ठीक है। कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो यहां पर क्या लगा देंगे? पहला सफिक्स एन, तो क्या हो गया? पेंटेन, ठीक है। अब इसी के बाद आप देखेंगे यहां पर क्लोरीन ब्रोमीन, इसका प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता ही नहीं, तो दूसरे कार्बन से लगे हैं तो क्या हो जाएगा? ये पी है, ये सी है, तो पहले ब्रोमो लिखेंगे फिर क्लोरो लिखेंगे। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और क्लोरीन के लिए क्लोरो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? टू ब्रोमो और टू क्लोरो, ठीक है, टू ब्रोमो टू क्लोरो। अब पेंटेन, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या लगाएंगे? सफिक्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। तो यहां पर ई हटा करके क्या लगा देंगे? ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा? टू ब्रोमो टू क्लोरो और पेंटेनोइक एसिड। तो ये इसका आईयूपीएसी नाम होता है। इसी प्रकार से अगला देखते हैं CH3 CH OH H C double bond O और ये CL, ठीक है। अब ये देखिए इसका ये COCl लगा हुआ है और ये OH लगा हुआ है, दो फंक्शनल ग्रुप लगे, ठीक है, COCl और OH। ये एसिल हैलाइड, COCl क्या होता है? एसिल हैलाइड। तो एसिल हैलाइड जो होता है उसमें का सफिक्स क्या होता है? ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड का मतलब हैलाइड में क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमाइड, आयोडीन लगा है तो आयोडाइड। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बन की नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप जिस ओर लगा हुआ है तो इसीलिए कार्बन से नंबरिंग शुरू करते हैं। जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन लगा होता है उसी के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4, ठीक है। और अगर जिसमें जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो फिर नंबरिंग उस वहीं से स्टार्ट करते हैं जिसमें जिधर से वो फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होता है, पास में होता है या उसको सबसे कम अंक होते हैं तो पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, फोर कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। तो यहाँ हमारा रूट वर्ड क्या हो जाएगा? ब्यूट। अब इसके बाद इसमें क्या होगा? ये OH का प्रीफिक्स में लिखेंगे तो दूसरे कार्बन से OH लगाए तो ये क्या लिखेंगे? टू हाइड्रोक्सी, ठीक है। इसका OH का क्या नाम लिखा जाएगा? प्रीफिक्स लिखा जाएगा तो टू हाइड्रोक्सी।
और ये CO सेल का क्या हो जाएगा, ओइल हैलाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले ब्यूटेन के साथ ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है, कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड से, तो पहला सफिक्स एल लगा देंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। और COCl के लिए सफिक्स क्या होता है, ओइल क्लोराइड, है ना। तो यहाँ पर ये हटा देंगे, ओइल क्लोराइड, एक ओइल क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो गया, टू हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइल क्लोराइड। तो ये IUPAC में नाम कैसे लिखते हैं वो हम लोगों ने यहाँ देखो, और इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O, यहाँ पर C2H5, ठीक है। अब यहाँ C डबल O क्या होता है, एस्टर, C डबल O क्या होता है, एस्टर। और इससे कितने एल्किल ग्रुप लगे होते हैं, दो एल्किल ग्रुप लगे, एक एल्किल ग्रुप ये लगा है, एक एल्किल ग्रुप ये लगा है, एक एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से लगा है, एक एल्किल ग्रुप कार्बन से लगा है। तो जो एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से लगा होता है उसको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं, सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप के रूप में, प्रतिस्थापित के रूप में पहले लिखते हैं प्रीफिक्स में। और जो एल्किल ग्रुप कार्बन से लगा होता है उसके संग ओएट लगा देते हैं, मतलब ये एस्टर है, एस्टर का सफिक्स क्या होता है, ओएट, तो इसमें ओएट लगा दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बीच में कार्बन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो ये कार्बन आपस में जुड़े नहीं, तो इधर के कार्बन काउंट करेंगे, ये 1 2 3, ठीक है। तो तीन कार्बन है तो क्या लिखेंगे इसको, प्रोब, तो इसमें लिख दिया प्रोब, ठीक है। अब इसके बाद इसमें ये कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो पहला सफिक्स देंगे एंड, तो ये क्या हो गया, प्रोपेन। अब इसमें जो एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन के कर लगा हुआ है उसको प्रीफिक्स में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, C2H5 क्या होता है, एथिल, तो ये लिख देंगे एथिल। और प्रोपेन में क्या लगा देंगे, एस्टर का नाम ओएट, तो यहां पर भी हटा देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल प्रोपेनोएट, एथिल प्रोपेनोएट इसका नाम हो जाएगा। अब इसी के बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें, यहां पर NH2 CH3 NH2, ये क्या होता है, NH2 क्या होता है, एमीन, तो इसके नाम में क्या लग जाते हैं, एमीन ही जोड़ते हैं, एक कार्बन है तो मेथिल और एमीन जुड़ जाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेथेना, ये मेथेना मीन होता है, ये प्राइमरी अमीन होता है। इसी तरह से अगर जो सेकेंडरी अमीन होगा तो वहां पर नाइट्रोजन से दो एल्किल लगे होते हैं, ठीक है ना, कितने एल्किल लगे होते हैं, दो एल्किल, यदि एक ही एल्किल है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अलग अलग है तो एक को प्रीफिक्स में लिखेंगे, एक को सफिक्स में लिखेंगे। प्रीफिक्स में किसको लिखेंगे, अगर जिसमें एल्किल में कार्बन कम हो गए उसको प्रीफिक्स में लिखेंगे, जिस एल्किल में कार्बन ज्यादा होते हैं उसको सफिक्स में लिखेंगे, ठीक है। अगर दोनों में समान कार्बन है तो किसी को भी प्रीफिक्स में लिख दे, किसी को भी सफिक्स में लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इसमें कार्बन कम है और इसमें ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या लिखा, इसका नाम हो जाएगा, जिसमें कार्बन कम है उसके आगे एन लगा देते हैं, एन मेथिल, क्या लिख देंगे इसको, एन
मेथिल, ठीक है, एन मेथिल एथेनॉल, क्या हो जाएगा, एन मेथिल एथेनॉल. मेथिल एथेना मीन हो जाए. तो इसमें दो एल्किल लगे, ये सेकेंडरी एमीन, इसमें एक एल्किल लगा, ये प्राइमरी एमीन, और इसी प्रकार से टर्शियरी एमीन, जब तीन एल्किल लग जाते हैं, तो जैसे कि देखिए नाइट्रोजन और इसमें तीन एल्किल ग्रुप लगे, CH3 C2H5 और C3H7, तीनों एल्किल अलग अलग लगा दी. जब एक ही लगे हों तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीन में से दो प्रीफिक्स में लिखे जाएंगे, एक सफिक्स में लिखा जाएगा, ठीक है. तो दो एक जैसे हो तो किसी दो को प्रीफिक्स में लिखिए या किसी को सफिक्स में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दो ये प्रीफिक्स में लिखे जाएंगे, प्रीफिक्स में लगे जाएंगे और ये सफिक्स में लिखे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एन मेथिल, ठीक है, कॉमन एन एथिल, ठीक है, एन मेथिल एन एथिल, और इसमें कार्बन सबसे ज्यादा तो इसके साथ एमीन जोड़ देंगे, तो एन मेथिल एन एथिल और प्रोपेनम, प्रोपेनम, तो ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा. तो ये एमीन के ध्यान रखें, प्राइमरी एमीन में मेथिल एमीन लग गया, इसमें एमीन लग गया, एन नहीं लिखा, सेकेंडरी एमीन में एन लिखा जाएगा, ठीक है ना, जिसको प्रीफिक्स में लगेंगे उसके आगे एन लगा देंगे, उसको एल्किल के रूप में लिखेंगे, और जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसके साथ एमीन जोड़ के लास्ट में लिखेंगे. और टर्शियरी एमीन में भी इसी तरह से दो पहले लिखे जाएंगे, अगर दो एक जैसे हैं तो उसमें डाई लगा देंगे, डाई मेथिल डाई एथिल, अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग लिखेंगे, एन मेथिल एन एथिल, और जिसमें कार्बन ज्यादा है उसके साथ एमीन जोड़ देंगे. तो इस प्रकार से ये IUPAC नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे लिखते हैं. तो ये लास्ट टर्म में कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे, आज उसमें कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे. अब इसके साथ नेक्स्ट टर्म पर बोर्ड में आए हुए कुछ एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इसके नियम के साथ, जिसमें IUPAC के नियम भी बताएंगे. आज भी डिस्कस किए नियम क्या होते हैं, कि इसमें जो नियम दिए गए उसी के अकॉर्डिंग हम नॉमेनक्लेचर करते हैं. थैंक यू.